हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज का मैसेज है मेरे किसानों के लिए कि जो किसानों ने लघु सीमांत सर्टिफिकेट बनवा रखा है और कोई सब्सिडी के लिए जैसे आवेदन कर रहे हैं और उसमें लघु सीमांत सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन करते वक्त भी लघु सीमांत सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं उसके बावजूद भी सब्सिडी में लघु सीमांत ऐड नहीं हो रहा, वो रीज़न ये है कि आपका जो लघु सीमांत सर्टिफिकेट है वो आपके जन आधार में अपडेट करवाना है, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट ऐप है और ऐप ही ऑटोमेटिक हर चीज़ ले रहा है। जैसे कि लघु सीमांत सर्टिफिकेट आपके जन आधार में अपडेट होगा, वहीं से आपके अकाउंट नंबर है वो जन आधार से ही हमारा ऐप लेता है, और वैसे ही आपकी लघु सीमांत सर्टिफिकेट आपका अगर अंदर ऐड होगा तो ऑटोमेटिक ऐप लेगा और उसी आधार पर सब्सिडी आएगी। कई किसानों के अब की बार सब्सिडी में सर्टिफिकेट लगाने के बाद में भी सब्सिडी जो उसका क्राइटेरिया है वो नहीं आई है, वो रीज़न इसी वजह से नहीं आई है। आप अपने जन आधार में अपडेट करवा लें और वो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, हर बार आपको ये अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सर्टिफिकेट बनाकर आपको डॉक्यूमेंट में लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन है। तो आप जन आधार में ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्मॉल फार्मर सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवा देवे। थैंक यू।